Hello, welcome to RM Notes. आज हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। हिमालय को चार भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। देखिए, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को जो अलग करता है उसको कहते हैं सच्चर जोन। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को जो अलग करता है उसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और मध्य हिमालय एंड शिवालिक को जो अलग करता है उसे कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फोल्ट। अब देखिए, हम इसको विस्तृत रूप में देखेंगे। देखिए, हिमालय को चार भागों में बांटा गया है, जो कि हम आपको बता दिए हैं। अब देखिए, ट्रांस हिमालय के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। यह हिमालय का वह भाग है जो चीन की ओर है। इसमें कैलाश पर्वत, काराकोरम, लद्दाख, पीरपंजाल, जास्कर, ट्रांस हिमालय, ये सब ट्रांस हिमालय के भाग हैं। कौन कौन? कैलाश पर्वत, काराकोरम, लद्दाख, पीरपंजाल और जास्कर। इसके बाद देखिए बृहद हिमालय, यह हिमालय का सबसे ऊँचा भाग है। इसमें हिमानी की अधिकता है। इसकी प्रमुख चोटियां नंगा देवी, कॉमेट, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा है। ये देखिए, एवरेस्ट जो है बृहद हिमालय का भाग है, चोटी है। देखिए नोट, भारत की सर्वोच्च चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन है, जबकि भारत में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है। देखिए यहाँ पे है कि भारत की सर्वोच्च चोटी K2 है, जबकि भारत में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। इसका अर्थ ये है कि ये जो K2 है गार्डविन ऑस्टिन का भाग, ये भारत का है लेकिन भारत में नहीं है। ये फिलहाल आपको PUK में पड़ता है, इसलिए हमारा तो है, भारत की है लेकिन भारत में नहीं है। भारत में सर्वोच्च चोटी जो है वो है आपको कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। अब देखिए, ट्रांस हिमालय तथा बृहद हिमालय को सच्चर जोन अलग करता है, तो हम आपको बता चुके हैं। मध्य हिमालय, यह हिमालय का सबसे छोटा भाग है, अतः तो इसे लघु हिमालय कहते हैं। देखिए अब मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा बृहद हिमालय तथा मध्य हिमालय अलग होता है, यह हम आपको बताए हैं। अब देखिए शिवालिक हिमालय, यह हिमालय का सबसे निचला भाग है, अतः इसे हिमालय का पदस्थली कहते हैं। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय अलग होते हैं। अब देखिए, हम हिमालय को आधुनिक विचारधारा के अनुसार बांटेंगे। तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार हिमालय को नदियों के आधार पर बांटा गया है। पहला आता है पंजाब हिमालय, यह सिंधु तथा सतलज नदियों के बीच में है। कुमायूं हिमालय, यह सतलज तथा काली नदियों के बीच है। नेपाल हिमालय, यह काली तथा तिस्ता नदी के बीच है। असम हिमालय, यह तिस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच है। इसको आप इस पिक्चर द्वारा, इस चित्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, पंजाब जो कि सिंधु और सतलज के बीच में है, कुमाई जो कि सतलज और काली के बीच में है, नेपाल जो कि काली और तिस्ता नदी के बीच में है, असम हिमालय जो कि तिस्ता और दिहांग के बीच में है। हिमालय की लंबाई 25,000 किलोमीटर है। यह पश्चिम में अधिक चौड़ा है तथा पूरब में पतला है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 1850 मीटर है, जो नेपाल में उपस्थित है, और नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हमारा हिमालय समाप्त हुआ।